दोस्तों आज आप जानने वाले हैं राफेल की असली ताकत, क्यों भारत ने राफेल का चयन किया और क्यों भारतीय सेनाएं सबसे ज्यादा विश्वास रखती हैं राफेल पर। इस तरह की कैपेबिलिटी शायद ही किसी फाइटर जेट में हो सकती है जो कि राफेल के अंदर है। अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब राफेल द्वारा ये रिकॉर्ड सेट किया गया था फ्रांस में। फ्रांसीसी वायुसेना की तरफ से एक अभियान चलाया गया था जिसमें राफेल को 17,000 किलोमीटर लगातार उड़ाया गया और 17,000 किलोमीटर के लिए इन्होंने टोटल लिए थे 12 घंटे। 12 घंटों के दौरान कुल 7 बार एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की गई और इस तरह से राफेल ने लगातार इतने समय तक इतने किलोमीटर उड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राफेल की इंड्योरेंस कितनी है और इसके इंजन कितने ज्यादा पावरफुल और रिलायबल हैं जो कि इतना भयानक रिकॉर्ड सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने देखा जब फ्रांस की तरफ से भारत को राफेल डिलीवर्ड किए गए थे उस दौरान ये फ्रांस से सीधे चलकर भारत पहुंचे थे। बीच में रुके जरूर थे यूएई में ऑयल रिफ्यूलिंग की वजह से, उसके बाद रिफ्यूल करने के बाद ये सीधे भारत को उड़ान भरते थे और भारत पहुंच जाते थे। कहने का मतलब इनकी इंड्योरेंस बहुत ही लाजवाब है। तो वहीं इस समय दो परेशानियां हमारे सामने खड़ी हैं। एक परेशानी चाइना नाम की है जो कि सीधे सीधे भारत का राइवल है। वह हिंद महासागर में अपनी प्रेजेंस थोड़ी ज्यादा ही बढ़ा रहा है और भारत को उकसाने की कोशिश बार बार चाइना द्वारा की जा रही है। तो वहीं दूसरी परेशानी हमारे सामने अमेरिका खड़ा है क्योंकि अमेरिका अपने फाइटर जेट बार बार भारत के सामने प्रेजेंट करता है। अमेरिका ने भारत को अपना F-16 खरीदने के लिए भी बोला है। अब आप बताइए, जो देश राफेल यूज कर रहा है उसे आप F-16 ऑफर कर रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाती है। तो इसके समाधान के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा राफेल की कुछ ताकत दिखाई गई। उसके लिए पश्चिम बंगाल में जो हासीमारा एयर बेस है वहां से 4 राफेल फाइटर जेट उड़ान भरते हैं और उड़ान भरने के बाद लगातार ये 6 घंटे उड़ान हवा में भरते रहते हैं। इस दौरान इन्होंने कुछ मिशन को अंजाम दिया। तो 4 राफेल एयर बेस से उड़ान भरकर निकलते हैं, इसके बाद में ये बीच में एयर टू एयर कॉम्बैट भी करते हैं जहां पर इन्होंने 100% प्रदर्शन दिखाया। इसके बाद ग्राउंड पर एक टारगेट को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया। यानी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां युद्ध के दौरान भी होती हैं। आपके फाइटर जेट जाते हैं, बीच में एनिमी के फाइटर जेट मिलते हैं जिनसे इन्हें निपटना होता है। तो हमारे फाइटर जेट ने एनिमी के फाइटर जेट को मार गिराया। ये सिमुलेशन टेस्ट हुआ था। उसके बाद ये आगे बढ़ जाते हैं उस एरिया की तरफ जहां पर इन्हें बॉम्बिंग करनी होती है। तो वहां पर ये पहुंचकर सकुशल बॉम्बिंग करते हैं और बॉम्बिंग भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ की जाती है। उसके बाद ये रिटर्न आकर अपने एयर बेस पर लैंड करते हैं। इस दौरान कुल 6 घंटे का समय लगता है। तो कहने का मतलब ये जो मिशन था ये बहुत ही बड़े लेवल पर परफॉर्म किया गया था। अब इस तरह का प्रदर्शन करने के पीछे के जो कारण थे अमेरिका और चाइना, वो ऐसे कि यहाँ पर चाइना को तो सीधे सीधे धमकी दी गई है कि देखिए आप बीच में मत आइए, अगर आप अपनी प्रेजेंस को या घुसपैठ को हिंद महासागर में करने की कोशिश करते हैं तो हमारे राफेल ही काफी हैं आपको न्यूट्रलाइज कराने के लिए। इसके अतिरिक्त ये सीधे सीधे एक मैसेज था अमेरिका के लिए भी कि अमेरिका अगर भारत को फाइटर जेट बेचना चाहता है तो एटलीस्ट आपको राफेल से एक कदम आगे जाना पड़ेगा। राफेल से एक कदम पीछे वाले फाइटर जेट को हम किसी भी कीमत पर नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि राफेल जब हमारे पास है जो कि इतना शानदार परफॉर्म कर रहा है, 6-6 घंटे की एंड्योरेंस दे रहा है, तो फिर क्या हम बेवकूफ हैं जो F-16 खरीदेंगे या फिर आपका F-15EX खरीदेंगे या फिर नौसेना के लिए F-18 सुपर हॉर्नेट खरीदेंगे? क्यों ना हम लोग राफेल को ही कंटिन्यू करें। फ्रांस आपसे ज्यादा रिलायबल है हमारे लिए। इसके अतिरिक्त हमें राफेल का एक्सपीरियंस है, फ्रांस इसके लिए एक नई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भी करने के लिए तैयार है भारत में। तो हर हाल में भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के लिए फ्रांसीसी फाइटर जेट सुटेबल है। तो अगर आपको इस कंपटीशन में बने रहना है तो एटलीस्ट आपको फ्रांस से एक कदम आगे जाकर ऑफर पेश करने पड़ेंगे। आपके जो मॉडर्न फाइटर जेट हैं अगर वो आप ऑफर करते हैं तो हम सोच सकते हैं इसके लिए, जिसमें आप F-35 समझौता नाम ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो अदर फैसिलिटी फ्रांस हमें प्रोवाइड कराता है ये भी आपको प्रोवाइड करानी होगी, तभी आप अपना फाइटर जेट भारत को बेचने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो राफेल हमारे लिए बेस्ट है, उसके बाद हमारे खुद के फाइटर जेट आ ही जाएंगे कुछ ही वर्षों में। तो यहां पर भारतीय वायुसेना ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा।